हेलो एवरीवन वेलकम टू फिन स्ट्रीट आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे नए सेगमेंट बात कॉइन की में आज इस सेगमेंट पे हम जिस कॉइन की बात करेंगे वो है यूनिस्वैप Uniswap इज अ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसको डेक्स भी बोला जाता है एक ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिस पे आप ई आर सी ट्वेंटी टोकन्स जो कि इथीरियम ब्लॉक चेन पर बेस हैं उनमें आप ईजिली एक्सचेंज uh, कर सकते हैं उनमें ईजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूनिस्वैप का एक सबसे डिफरेंट फीचर ये है कि ये ऑटोमाइज करता है ट्रांजेक्शन्स को अब इनिशियली अगर हम देखें जो हमारे और प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हमारी और ट्रेड्स एक्जीक्यूट होती हैं वो ऑर्डर बुक के डिंग होती है ऑर्डर बुक क्या होता है ऑर्डर बुक एक ऐसी बुक होती है जैसे आपका बाय बिड और आपका सेल बिड किसी पर्सन का मैच करेगा आपस में तो ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है बट यूनिस्वैप में एक ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीचर है क्योंकि यूनिस्वैप ने 2018 में ए एम एम ऑटोमेटेड मार्केट मेकर लॉन्च किया था ऑटोमेटेड मार्केट मेकर का यही काम होता है कि ये अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट कर देता है बट यूनिस्वैप में ऐसा क्या फ़ीचर है जो कि ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं इसके पीछे इसका रीज़न है इनका लिक्विडिटी पूल जो यूनिस्वैप है उनके पास ई आर सी ट्वेंटी टोकन के लिक्विडिटी पूल्स अवेलेबल होते हैं और इन लिक्विडिटी पूल्स में ई आर सी ट्वेंटी की सप्लाई भी अवेलेबल होती है और जो ई आर टोकन्स की सप्लाई आती है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के थ्रू आती है अब जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं जो अपने ई आर टोकन्स होते हैं जैसे अगर उनके पास इथीरियम है या और कोई स्टेबल कोइन है वो उस ई जो लिक्विडिटी पूल है उसमें वो एक्सचेंज कर लेते हैं मीन्स वो उसमें अपने टोकन्स रख लेते हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनको इन रिटर्न क्या मिलता है जैसे आपको मान लीजिए किसी भी ई आर टोकन में स्वैप करना है तो आप यूनिस्वैप के थ्रू जीली कर सकते हैं और इन रिटर्न आपको थोड़ी सी ट्रांजेक्शन फीस पे करनी पड़ेगी उसी ट्रांजेक्शन फ़ीस का कुछ पार्ट उन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को एज अ प्रूफ उनको पूल टोकन्स दिए जाते हैं पूल टोकन्स वही टोकन्स होते हैं जो एज अ प्रूफ होते हैं उनके पास कि उन्होंने लिक्विडिटी में स्टेक ले रखा है तो वो वो टोकन्स को दूसरे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे यूज़ कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिस्वैप में हम सिर्फ ई आर टोकन में ही एक्सचेंज कर सकते हैं और यूनिस्वैप ने 2020 में अपना खुद का गवर्नेंस टोकन भी लॉन्च किया था दैट इज़ यू अगर हम यू की बात करें जैसे ही यू एन लॉन्च किया था उसी टाइम यूनिस्वैप के जितने भी यूजर्स थे उस टाइम पे उन सबको 400 हंड्रेड यू एन रिवॉर्ड में दिए थे यूनिस्वैप ने तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी यू युन, यूनिस्वैप के यूजर्स के लिए जो इनिशियल यूजर्स थे यूनिस्वैप के और अगर हम यू एन आई टोकन की करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यू एन आई टोकन का करंट मार्केट प्राइस अभी नाइन डॉलर के अराउंड है और अगर इसका ऑल टाइम हाई हम चेक करें तो इसका ऑल टाइम हाई नाइन पॉइंट एट डॉलर के अराउंड लाई करता है और इसका ऑल टाइम लो है जीरो पॉइंट फोर वन डॉलर के अराउंड और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड टू पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर है जो कि काफी ज्यादा है और इसकी अगर हम करंट सप्लाई की बात करें कि कितने यू एन आई टोकन अभी सप्लाई में हैं दैट इज टू 277 मिलियन और अगर हम इसके मैक्सिमम सप्लाई की बात करें कि कितने यू एन आई टोकन्स मैक्सिमम इशू हो सकते हैं वो है वन बिलियन तो ये थी आज की हमारी बात कॉइन की अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो फिन स्ट्रीट थैंक यू